अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यकीन नहीं हो रहा है 30 दिनों का सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है, रोज़ ही ख़त्म होने वाले हैं। शहरी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था तो मैंने सबके लिए बना दिए कॉर्नफ्लेक्स, उसके ऊपर चॉकलेट सिरप और चिया सीड डाल दिया और सबने चुपचाप खा भी लिया। फजर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो गई। सुबह आँख खुली तो ये बेरोज़गार मेरे सामने आइसक्रीम खा रहा था और मैं मांग भी नहीं सकती थी। फिर नहा शहा के मैं चली गई जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने के बाद भी मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। मे भी हो सकता है आपकी नमाज़ कबूल नहीं हो रही हो, इसलिए नमाज़ को हमेशा दिल लगा के सुकून से पढ़ा करो। आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था अफ्तारी में क्या बनाऊं, बिकॉज आज आप ही नहीं थी, वो काम पे गई हुई थी। ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग नहीं आती, रमजान में मेरी कुकिंग स्किल बहुत ही डेवलप हो चुकी है गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बड़े अच्छे से बन गया था, पर मैंने खुद ज्यादा नहीं खाया था क्योंकि अफ्तारी के तुरंत बाद मुझे और आप ही को बाहर जाना था। आज मैं फर्स्ट टाइम गई थी बर्गर किंग्स एंड फास्ट फूड। लोकल्स में यहाँ का फास्ट फूड काफी फेमस है और मैंने भी ट्राई किया तो मुझे भी काफी पसंद आया। मोमोज काफी अच्छे थे, बट ये चिकन रोल इतने लजीज थे ना कि मैं बिस्मिल्लाह करना ही भूल गई थी। आप ही मुझे बड़ा डांट रही थी इस बात पर।